नमस्कार, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर ब्लॉक गंगेयों की ग्राम पंचायत हिनौती में हूँ। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र हिनौती जनपद पंचायत गंगेयों जिला रीवा निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत हिनौती। ये ग्राम पंचायत हिनौती का ये आंगनवाड़ी केंद्र है ग्राम हिनौती का, और इस समय लगभग 1:30 बजने वाले हैं और आज सोमवार 19 मार्च 2018 है। ये आंगनवाड़ी केंद्र खुला नहीं है और हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के हितग्राहियों से। आप उप सरपंच है यहाँ के जी, हाँ जी, क्या कहेंगे इस आंगनवाड़ी केंद्र अभी तक क्या नहीं खुला है? कहेंगे साहब, ऐसा है कि अब पता नहीं कि क्या मुसीबत में फंस गए, क्या मुसीबत हो गई, आंगनवाड़ी तो अभी तक नहीं खुला हुआ है। क्या रोज खुलता है आंगनवाड़ी केंद्र, दूसरे दिनों खुलता है? हाँ तो खुलता तो होगा, अब ये आज तो वर्तमान समय में है नहीं, तो आज नहीं खुला हुआ है, आज नहीं खुला हुआ है, ठीक है ना। और आंगनबाड़ी की जो योजनाएं हैं इसमें सब लिखा हुआ है मंगल दिवस में, प्रथम मंगलवार गोद भराई, द्वितीय मंगलवार अन्न प्रशन, तृतीय मंगलवार जन्म दिवस, चतुर्थ मंगलवार किशोरी दिवस, पोषण आहार स्वास्थ्य जांच संदर्भ सेवा टीकाकरण पोषण एवं स्वास्थ्य के फलाफल सारी चीजें लिखी। क्या सब योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया जा रहा है? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा है कि हो सकता है कि मिला तो हो गया, आपको जानकारी नहीं? जानकारी नहीं हमारे बीच में। शुक्ला जी हैं जी, क्या कहेंगे? आज तो सुबह हम आए थे तो आप लोगों से ही एक रूबरू हुए, तब तो ये बताया गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा, बच्चे बता रहे थे कुछ हाँ वहाँ कर रहे थे, लेकिन आज तो ये नहीं खुला हुआ है। हम स्वयं आकर 12 बजे तक नहीं खुला है, ऐसा भी लगता है कि नहीं खुलेगा, कभी कभी बीच बीच में ऐसे ही करते हैं, खोलते हैं फिर कभी कभी बीच में ऐसे हो जाता है कि नहीं आएंगे, बच्चे इधर उधर भटकते हैं, फिर भटकने के बाद वापस चले जाते हैं, और खाने पीने में भी कोई कभी रोटी सब्जी बाहर से बना के ले आते हैं देते हैं, अन्यथा जो यहाँ लिखा हुआ है ये सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं करा पाती है, सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं करा पाती। कोई किशोरियों को कोई सुविधा क्या कहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र के विषय में? कभी कभी खुलता है, कभी कभी नहीं खुलता है। अच्छा, आज तो जैसे नहीं खुला, सुबह आए थे तो हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने तो बताया कि खुलता है, कुछ लोगों ने बताया योजना का लाभ मिलता है, कुछ लोगों ने बताया नहीं मिलता, लेकिन अब तो हम स्वयं आज देख रहे हैं कि ये नहीं खुला हुआ है, खुला है। तो आखिर क्या वजह है इसकी, क्या प्रारंभिक जानकारी किसी को है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी मुसीबत में फंस गई है, सहायिका को खोलना चाहिए, फिर सहायिका भी मुसीबत में खुद फंस गई है, क्या वजह है कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला है? तो हमको नहीं मालूम, आपको जानकारी नहीं है, पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि आज के दिनांक में नहीं खुला हुआ है। बहरहाल इसमें दुनिया भर की योजनाओं की बात लिखी गई है, अभी यहाँ के लोगों से रूबरू होकर के पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके संदर्भ में ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाए क्योंकि दूसरे मुद्दों पर केंद्रित थे। सबसे भीषण समस्या जल की समस्या है उसके विषय में, लेकिन चलते चलाते आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद दिखा तो हम आकर के आए और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। समय भी हम आपको दिखा दें दूसरे मोबाइल के माध्यम से कि समय क्या हो रहा है। समय यहाँ पे लगभग इस तरह से आपको समय मोबाइल में मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन ये कैच नहीं कर रहा है। 1:04, जैसा कि कुछ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि 1:04 लिखा हुआ है, तो 1:04 का समय हो रहा है दोपहर का ये, और ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला हुआ है। ठीक है, मार्च का समय है, गर्मी बढ़ रही है, ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र गर्मियों में बंद रहते हैं, फिर भी ये खुला रहना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी क्या समस्याएं हो रही हैं, यहाँ के दूसरे लोगों से ही जो वास्तविक हितग्राही है, यहाँ की महिलाएं जो हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनसे जानकारी लेने पे पता चलेगा। बहरहाल हम यहाँ की पानी की समस्याओं के बारे में केंद्रित हो रहे थे, और अभी अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें एक और कैंडिडेट मिल गई है, बच्ची है जो पानी लेने जा रही है। बेटा कहाँ पानी लेने जा रहे हैं आप, कहाँ, नाम बताइए अपना, नाम बताइए ना, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ डांट वांट थोड़ी पड़ रही है, आप तो जानकारी ले रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान कर ले ताकि ताकि आपका आपको पानी मिले आपके घर में, आपको भटकना ना पड़े। दिव्या साकेत बेटा, क्या है आपके पिताजी का नाम, किस क्लास में पढ़ते हैं आप, 9वीं में, ये पानी लेने आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीधर पंडित जी सरपंच जो हैं भूतपुर, उनके घर में ना हैंडपम्प, एकमात्र वही हैंडपम्प काम कर रहा है, तो आप यदि पानी लेने जा रहे हैं बताइए 1 बजे, आज स्कूल आप नहीं गए, छुट्टी है आज, छुट्टी का आएगी आज, तुम्हारा पेपर हो गया इसलिए छुट्टी है, ठीक है ना। तो ये छुट्टी बताई जा रही है, क्या वजह है, आज सोमवार है 19 मार्च है, क्यों छुट्टी है, इनका तो पेपर हो गया है, संभवतः इस आंगनबाड़ी केंद्र की भी छुट्टी हो, हमें जानकारी नहीं हो, जो भी के कारण हो, लेकिन पानी वाली जो समस्याएं पर हम केंद्रित कर रहे थे, तो आप फिर से देख सकते हैं कि ये बच्ची, ये जीता जागता उदाहरण है, छोटी बच्ची है एक मुश्किल से 10 साल की, और दोपहर में 1 बजे 2 डब्बों को अपना साइकिल में कैसे फंसा करके, एंगल होता है गांव में पानी भरने की, ये प्रथा होती है, इस तरह से लोहे का एंगल बनवा लेते हैं और उसमें लटका करके, और आप देख रहे हैं कि ये दूर से वहां से 1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आएंगी और फिर अपने घर ले जाएंगी। ये पढ़ने वाले बच्चों के हाल हैं और ये हमारी सरकारें हैं, इनका क्या जवाब दे सकती हैं? लाडली लक्ष्मी योजनाओं के नाम पर जो इस तरह से दुनिया भर की बातें की जाती हैं बालिकाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, ये उनके सामने हमारी उनकी एक बालिका है जो डब्बे लेकर के पानी लेने जा रही है।
इसके बारे में वो बता सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति। धन्यवाद, मैं शिवानंद द्विवेदी।